हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं टीम समाधान की ओर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं इस वीडियो में आप सभी को यह कुछ 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। टीम समाधान क्या है, टीम समाधान के कार्य क्या हैं और टीम समाधान बनाने के पीछे का मकसद क्या है। तो सबसे पहले आते हैं, चलिए टीम समाधान के बारे में आपको बताना चाहूँगा। टीम समाधान एक वॉलेंटियर्स का ग्रुप है। ख़ास तौर पे पहले तो इसे इंजीनियरिंग के छात्र ने स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे जैसे ही कार्य बढ़ता गया, लोगों ने इसके बारे में जाना, देखा कि कुछ अच्छा कार्य कर रही है, तो काफ़ी सारे हमारे समाज सेवकों ने इसमें सहयोग किया और आज ये लगभग 70 to 80 पीपल्स एक्टिव वॉलेंटियर्स का एक ग्रुप है। और दूसरा पॉइंट जो ये मेरा था, ये था कि टीम समाधान बनाने के पीछे का कारण क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो कोविड की सेकेंड वेव है, कोविड की फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ खास तौर पे शहडोल डिस्ट्रिक्ट जो थे ऑल इंडिया में टॉप 5 रैंक में था पॉजिटिविटी रेट में। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम सभी छात्रों ने यह सोचा, क्यों ना इस खाली लॉकडाउन के समय पे, अभी हमारी पढ़ाई भी, कॉलेजेस भी बंद हैं, और जो जिस वजह से हमने सोचा इस खाली टाइम में क्यों ना हम समाज सेवी के कार्य करें। सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, साथ ही साथ हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो हमने टीम समाधान बनाया। और जो हमारा थर्ड पॉइंट था, टीम समाधान के कार्य क्या हैं। तो मेन यहाँ पे हमारे कार्य ही आते हैं, टीम समाधान का कार्य क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको कोविड के लक्षण हैं, सबसे पहले तो लक्षण ना हो या कोविड ना हो, इसके लिए तो आपको 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करना पड़ेगा। और दूसरा, अब तो 18+ वैक्सीनेशन भी होने लगे हैं, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। फिर भी अगर आप कोविड के चपेट में आते हैं, या आपको कोविड के लक्षण हैं, या फिर आप कोविड पॉजिटिव हैं, ऐसा है, और आपको एग्जैक्ट टाइम पे आपको एम्बुलेंस की नीड है, ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड है, हॉस्पिटल की नीड है, अगर आपको ये पता करना है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है पर आपको ये नहीं पता है कि कौन से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, तो अगर आप पता करने जाएंगे तो आपका काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा मुख्यतः कार्य यही है कि हम एक कोविड पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच का जो टाइम गैप है उसे कम करें। हम पर डे दिन में 2 बार बेड्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, कौन से हॉस्पिटल में कितने ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं, कितने वेंटिलेटर्स अभी अवेलेबल हो पाएंगे। तो यही सब हमारे कार्य हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल कार्यों के साथ ही साथ हमने जो है पूरे शहडोल संभाग में, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जितने भी फूड सप्लायर्स हैं, मेडिसिन सप्लायर्स हैं, ट्रैवल के लिए जितने भी कार्स, 4-व्हीलर 2-व्हीलर जिस तरह से भी व्यवस्था हो पाए, तो हमने हर लोगों का नंबर ज्वाइन किया और हमने एक गूगल ड्राइव बनाया है जिसपे सभी लोगों के नंबर्स हैं, डॉक्टर्स के नंबर भी हैं जिससे आप कंसल्ट करके पता कर सकते हैं कि आपको क्या कैसे करना है। तो कुछ ये था टीम समाधान का वर्क। कुल मिला के मैं समराइज करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की आपको कोविड से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो, या तो हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, खाना, वेजिटेबल, फ्रूट, फल, फूल, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आप टीम समाधान पे संपर्क करें। जो जो नीचे नंबर शो हो रहा है, इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल करके आप किसी भी टाइम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। हमारा कार्य यह है कि आपको आपका समय बचाना है, हमारा कार्य है, बस यही था। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके। धन्यवाद।